बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अतिब्बा किसी खातून को भांज कह देते हैं कि ये औरत भांज है, इससे औलाद नहीं होगी, पर अल्लाह तबारक तआला ने अपनी किताब कुरान पाक में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की अहलिया को भी भांज कहा था, मगर अल्लाह तआला ने उन्हें याहिया जैसा शहजादा अता फरमाया, तो अल्लाह से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बज़ाहिर कोई चीज़ मुमकिन नज़र नहीं आती, मगर अल्लाह ताला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर ज़ात है। चुनाचे भांज औरत को भी मायूस नहीं होना चाहिए और वो हर नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़े, या मुसव्विरो या खालिको, या मुसव्विरो या खालिको, या मुसव्विरो या खालिको, अवल आखिर 3-3 बार दुरूशी पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, इब्तिदा में 3 मरतबा, आखिर 3 मरतबा, और अल्लाह ताला से दुआ मांगे, और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की वालदा का वसीला पेश करे कि या अल्लाह, जिस तरह तूने याहिया अलैहिस्सलाम की वालदा जो कि भांज थी उनको तूने औलाद अता फरमाई, मुझे भी मेरी गोद को हरी फरमा दे, इंशाल्लाह ताला मायूस न हो, अल्लाह के प्यारों के वसीले से ज़रूर गैबी इमदाद होगी, अल्लाह गैबी इमदाद से माला माल फरमाए।